काफ़ी परेशान हो रहा हूँ। रोज़ सुबह आकर के बाल्टियाँ भर भर के लेटरिनें धोनी पड़ती हैं, ऊपर से नाली में से लेटरिन आती है, वो नाली बिल्कुल इल्लीगल बनी हुई है। Make no compromise in your child's education. Join the number one school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. मेरा साहब लोहे का काम है, प्लास्टिक का काम है, और जो है मैं काफ़ी परेशान हो रहा हूँ। रोज़ सुबह आकर के बाल्टियाँ भर भर के लेटरिनें धोनी पड़ती हैं, ऊपर से नाली में से लेटरिन आती है, वो नाली बिल्कुल इल्लीगल बनी हुई है, और उसमें से ये इन्होंने छेद कर रखे हैं अनसन, और वो पानी आता है, लेटरिनें आती हैं इनकी, वो बाथरूम ही गलत बना रखा है इन्होंने, वो अपने घर में निकालें गटर, लेकिन नहीं, सुनने को तैयार नहीं है, लड़ने मरने को तैयार है, सुनने को तैयार नहीं है। कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण जी टूका है, और उनके लड़के हैं, बस यही लोग हैं जो सुनने को तैयार नहीं है, नाली निकालने को तैयार नहीं है। हमने यहाँ तक कह दिया, हाथ जोड़ दिए कि भाई आप लोग जो है इस तरह मत करो, आपसे प्रार्थना करते हैं, हमने विनती करते हैं, हाथ जोड़ लिए, पैर छू लिए, लेकिन नहीं। हाँ, मैं 73 का आदमी हूँ, और मेरे को जो अनशन बोला जी बाबूजी, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर नाली में से। ये नाली किस चीज़ की बनाई हुई है? नाली तो उसी लेटरिन बाथरूम की है। हाँ, कभी इसको लेकर आपने शिकायत दी किसी को? शिकायत हमने कल थाने में की थी, नगर निगम में भी शिकायत, नगर निगम में भी की है। क्या मानते हैं, अगर जल्द आपकी शिकायत पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? आगे कार्रवाई कोर्ट में करेंगे, कुछ करेंगे। आपका नाम? हाँ, ओमकार नाथ अग्रवाल। मेरा नाम विकास जैन है, मेरा दुकान का नाम है एनआर एंड सन्स, लोहे का व्यापारी हूँ मैं। किस तरह की परेशानी आ रही है आप लोगों को? पिछले 6 महीने से रोज मेरी दुकान के ऊपर वाले मकान मालिक जो भी रह रहा है उस रोज मेरी दुकान में पिछले 6 महीने से रोज मल, उसके साथ पानी, उसके साथ गंदगी रोज 6 महीने से आ रही है। मैं रोज परेशान हो रहा हूँ, मेरा धंधा करना मुझे दुश्वार हो रहा है, इतनी गंदगी आ रही है, इतनी बदबू आ रही है दुकान में। किस तरह से पानी निकल रहा है? पानी पिछले 6 महीने से ऊपर नाली की वजह से आ रहा है। इन्होंने ना ऊपर अपने घर पे सेफ्टी टेंट बना रखा है, ना ऊपर कुछ व्यवस्था करी हुई है। आज उससे पिछले 3 दिन पहले इन्होंने मेरी दुकान में 3 जगह छेद करे हैं। एक छेद 6 इंची का है, दूसरा 9 इंची का है, तीसरा एक छेद गोल छेद है, जिसमें से रोज पानी और मल पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैंने रिपोर्ट थाना अधिकारी और नगर निगम दोनों जगह करी है, लेकिन कोई सुनने तो तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या मानते हैं, कभी बड़ा हादसा हो सकता है? बड़ा हादसा जरूर हो सकता है, क्योंकि छेद हो चुका है, पट्टियों में पानी आ रहा है। हाँ। कमजोर हो सकती है पट्टियाँ, तो कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना की जवाबदारी किसकी होगी? कितनी दुकानों के अंदर पानी आ रहा है? 4 दुकानों में पानी आ रहा है। सारे लोग परेशान हैं? सब लोग परेशान हैं। अगर जल्द ये पूरा नहीं होता तो आगे क्या करेंगे आप? आधे थाने में जाएंगे, नहीं तो फिर कमिश्नर कलेक्ट्रेट में लेटर लिख के देंगे फिर। ठीक, आपका नाम? विकास जैन। एक्चुअल में क्या है बॉस, ये काफी समय से ये दुकान वाले की ये हो रहा है, अब ये इस तरीके से गंदगी आ रही है, यूं आ रही है, जबकि ये ऊपर का पानी है। ये बाथरूम बना हुआ कब का है ये पता ही नहीं हमें तो किसी को भी। ये कब बना बाथरूम यही पता नहीं है हमारे को तो किसी को। तो इसको लेकर शिकायत करेगा हमने? सब जगह हुई भी है, कोर्ट में भी कर रखा है, पुलिस थाने में भी कर रखा है, निगम वालों ने कर रखा है, निगम वाले आके बोल के गए, निगम वाले देख के भी गए, तो निगम वाले बोले इस तरीके का क्यों नहीं है कि इसको आपको सेफ्टी टैंक बनाना पड़ेगा, आपके नीचे सेफ्टी टैंक में उतारो। आज किसी की दुकान में बोल रहे कि साहब मेरा पाइप यहाँ 50 सालों से उतर रहा है। ठीक है, और ये मंदिर का रास्ता, इसमें छींटे पड़ते हैं दुनिया भर के। क्या मानते हैं, अगर जल्द कार्रवाई नहीं की होगी तो इसकी कोई आगे कार्रवाई होगी, और हो सकता है कोई विकराल रूप ले ले। और देखो आप किस तरीके से माहौल हो रहा है, कब किस समय क्या नुकसान हो जाएगा इसको पता। ठीक, नाम आपका? साकेत बंसल।